हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुड मॉर्निंग। और आज का व्लॉग थोड़ा अलग होने वाला है। आज के व्लॉग में होने वाला है कुकिंग व्लॉग, और ये एक्चुअली सारे व्लॉग से अलग होने वाला है। और ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत अच्छा कुकिंग आता है, और मेरे को ये भी नहीं पता कि कितना डालना है, कैसे डालना है, ऐसे बोलना है इतना इतना ग्राम ये डालिए, उतना ये डालिए, वैसे मैं नहीं बता सकती। मेरे को जितना आता है मैं बस आपको दिखाते जाऊंगी, आप अपने मर्जी से जितना आपको जो जो डालना रहता है आप अपने मर्जी से डाल दीजिएगा। मेरे को तो जो मन करता है मैं बस ऐसे ऐसे डालते जाती हूँ, जो हाथ के सामने मिलता है डाल दो। आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन। थोड़ा सा ट्रेडिशनल स्टाइल में नहीं बना रही हूँ, बट हाँ आज बनाने वाली हूँ मैं चिकन। और अगर आप खाने के लिए नहीं, आप देखने के लिए तैयार हो तो जल्दी आ जाओ, आ जाओ। और बताइएगा कैसा लगा व्लॉग, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और उसके साथ बेल आइकन को दबाए ताकि न्यू वीडियोस अपडेट आपको मिलता रहे डेली। आगे हम लोग किचन में, और किचन में आने के बाद सबसे पहले हम लोग को करना ये है कि कटोरी में थोड़ा सा पानी लेना है। पानी को हम लोग को करना ये है कि गरम करना है, एंड गरम पानी में हम लोग को डालना है, देखिए ये पानी को हम ऑन कर दिए हैं, इंडक्शन ऑन कर चुके हैं, और इस पानी में हम डालेंगे 5 रेड चिली। इसीलिए डालना है क्योंकि ये अगर मैं पानी में डाल दूँगी तो ये थोड़ा नरम हो जाएगा, और जब मैं इसको पेस्ट बनाऊंगी तो इसका पेस्ट अच्छे से बनेगा। जिंजर गार्लिक एंड ऑनियन पेस्ट, ये चिकन है। यहाँ पे मेरी मम्मी बन गई है होस्ट, मेरे चैनल को ले लेगी मेरी मम्मी। पहले हम लोग इसमें डालेंगे नमक। कहाँ गया नमक? अरे नमक, नमक डालेंगे, टर्मरिक डालेंगे, अब डालेंगे चिली पेस्ट, थोड़ा और डालेंगे। अब इसमें है प्याज, अदरक और लहसुन डाल देंगे, इसमें भी थोड़ा और ही डाल देंगे। अब ना मैरिनेट करेंगे हाथ से, क्योंकि हाथ से मैरिनेट अच्छा होता है। चालू हो जाओ। सबसे पहले हम लोगों को करना है गैस ऑन, उसके ऊपर रखना है कढ़ाई, और उसके बाद उसमें डालना है हम लोगों को तेल। तेल वो चम्मच नहीं पता, हम पहले ही बोल दिया, हम ज्यादा नहीं बोल सकेंगे। जो भी करना है धीमी आंच पे करना है, ठीक है, मीडियम फ्लेम में रखते हुए पूरा बनाना है। ऑयल हो चुका है मेरा गरम, अब हम इसमें डालेंगे पोटैटोज। पोटैटोज डाल देंगे, आलू ऑलमोस्ट भुन चुका है, इसमें तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता। आई हाई, आई हाई, आई हाई। ओ नो, गपदा सा 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 गपदा पदा पदा। तो हल्का सा क्यूबिन सीड्स डाल दूंगी इसमें। चुका है गरम, गरम हो चुका है, इसमें डालेंगे प्याज। कृपया इसे हिला ले, अगर भुन जाए तो हल्का ऐसे ब्राउन ब्राउन हल्का हो जाए। तो अब डाल दे पेस्ट, इसमें है प्याज, अदरक, लहसुन, सब डाल दिया है पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को हिला ले, ये बहुत उड़ रहा है जिससे मुझे बहुत डर लग रहा है। अब इसमें डलेगा लाल मिर्च पेस्ट, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट, जीरा पाउडर, ज्यादा नहीं, धनिया पाउडर। अब डालना है टमाटो, ज्यादा चिकन नहीं है मेरा इसीलिए मैंने एक टमाटो ही डाल दिया है। एक्चुअली ये बन जाएगा, वो होते होते ये बन जाएगा,
थोड़ा सा हिला ले इसे। टमाटो सब गल चुका है इसमें, तो अब इसमें हम लोग डाल देंगे चिकन को, जो ये है थोड़ा सा। तो हम लोग अब डाल देते हैं चिकन को। मैंने डाल दिया, लुक मैंने डाल दिया चिकन को। बहुत प्रॉब्लम है ये हाथ में पकड़ के ब्लॉगिंग करना, प्लस बनाना चिकन, कुकिंग और ब्लॉगिंग दोनों बहुत टफ है। सो अब इसको हम लोग थोड़ा सा मिला लिए इसमें। अब इस चिकन को होने देना है थोड़ा देर तक। तो गाइस हम चिकन को अभी ढक चुके हैं प्लेट से, बीच बीच में ढक्कन खोल के चिकन को चला भी ले। हम अभी बोल रहे चक्कन खोल के ढक्कन को चला, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ढक्कन को ही खोलना है और चिकन को ही चलाना है। क्यूट सा लग चिकन, आउट फिर से डिस्टर्ब भाग जा रहे, भाग जा रहे। इसको डाल देना चिकन में और हल्का सा चला ले, ज्यादा नहीं हल्का सा चला ले। मैं एंड में डालना है गरम मसाले, जो जिसको मैंने पीस लिया है, इसे हम डाल देंगे इसमें। मैं इसमें डाल देना है पानी। गाइस मेरा चिकन बन चुका है फाइनली, ये रहा, देख लीजिए हवा आ रहा है अभी भाप को हटाते हुए। चिकन बन चुका है, तो कुछ ऐसा दिख रहा है मेरा चिकन। दोस्तों आ चुका है मेरा चिकन, ये देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है मेरा चिकन। और ये रहा राइस और ये रही मैं। तो अब देखते हैं इसको टेस्ट करके कि कैसा लग रहा है। तो अब राइस को मिक्स कर लेते हैं चावल के साथ एंड ये चिकन देते हैं इसमें। बहुत ज्यादा टेस्टी है, बहुत 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 ज्यादा टेस्टी है। आप जरूर अपने घर पे बनाएं। तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब करते मेरे चैनल को, और घर में जरूर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय, गुड नाइट, बाय।